Hi guys, welcome back to Richa Life Cares. I hope you all are doing good. और कैसे हो सब लोग? और छोटी सी खुशी की बात ये भी है कि आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि इंडिया जो है वो यूके की रेड लिस्ट से बाहर आ चुका है और अभी वो एम्बर लिस्ट में है. और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स, नए लोग, नए कपल्स, बहुत सारे लोग जो है वो यूके आने का प्लान कर रहे हैं. सबका एक्साइटमेंट लेवल एकदम से मतलब हाई हो चुका है. तो आज का जो वीडियो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आप मूव कर रहे हो इंडिया से यूके या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव करते हो, तो एक सवाल रहता है कि भाई क्या क्या लेके जाए वहां पे. जब मैं भी यहाँ पे आई थी, 4-5 साल पहले की बात है, तो मेरे दिमाग में बड़ा कुछ घूमता था. अरे यार, ये लूं कि नहीं, ये लूं कि नहीं, वहां पे कस्टम में तो नहीं पकड़ा जाएगा. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा ये वाला बैग हम लेके आ सकते हैं इतने डायमेंशन का. तो गाइज, आपको वो चेक करना पड़ेगा अपनी एयरलाइन की वेबसाइट में जाके कि वहां पे कितना डायमेंशन अलाउड है, कितने बैग अलाउड है, क्योंकि हर एक एयरलाइन का अपना अलग अलग सिस्टम होता है. तो नॉर्मली मैं, क्या होता है, मैं एयर इंडिया से ट्रैवल करती हूँ या फिर कतार एयरवे से ट्रैवल करती हूँ. तो मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, बट बस बता रही हूँ कि एयर इंडिया में नॉर्मली आपको 2 बैग अलाउड हो जाते हैं और साथ में एक छोटा जो 7 kg का होता है, और कतार एयरवेज में 1 ही बैग अलाउड होता है. तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी एयरलाइन चूज कर रहे हो. तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका बाद में नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा बैगेज ले लिया तो फिर वो बहुत हैवी नुकसान हो जाता है उस चीज में. तो प्रॉपरली आप उसका रिसर्च करके, चेक करके अपने बैग्स को कैरी करना. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, कौन सी आइटम आप नहीं लेके आ सकते हो. तो उसमें नंबर 1 पे आएगी कि आप मिल्क से बनी हुई कोई आइटम या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप मत लेके आइएगा. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, घी आप बिल्कुल मत लेके आइएगा. अगर आप शौकीन हो कि घर से बना हुआ घी लेके आना है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मत लेके आना, कस्टम में पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. तो पौधे हो गए, जैसे कई लोगों को शौक होता है कि भाई छोटे मोटे पौधे अपने बैग में रखने का, तो प्लीज वो मत कीजिएगा. यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, अगर आप शौकीन हो यहाँ पे आके आप खरीद सकते हो, ये कस्टम में नहीं रिक्वायर्ड होते. और एक चीज मैं बता देती हूँ खाने के नाम पे, कि अगर आपको लेके आना है तो खाने में ना, आप जैसे मटरी नहीं होती घर की बनी हुई, गुजिया हो गए, या फिर आप लड्डू, मिठाई में लड्डू, ये सब लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप इनको लेके आ सकते हो. इसमें आपको ये रहेगा कि भाई कस्टम में पकड़े जाने का कोई डर नहीं, क्योंकि घर के बने हुए हैं प्रोडक्ट. ऑब्वियसली आप बोलो घी भी तो घर का बना होता है, लेकिन वो मिल्क का है गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों को मिक्स मत करना. तो वो खाने का जैसे लड्डू वगैरह हो सकता है, वो आप ले आना, क्योंकि वो तो चलो हम इंडियंस को लेके आना हमारा हक बनता है. तो मिनिमल रखो ताकि थोड़े दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपका वो इस्तेमाल हो जाए, और जैसे ही आपको इंडियन स्टोर्स या आसपास की मार्केट का आइडिया हो जाए, तब आप वहां से खरीद सकते हो. अब बात करते हैं कि दाल हो गई, मसाले हो गए, ये आप लोगों को लेके आने चाहिए कि नहीं. तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, जब मैं यहाँ पे आई थी तो एक स्टार्टिंग के लिए मैंने ना 500-500 ग्राम के 2-3 दालें और 2-3 मसाले जो एक बेसिक चाहिए होते हैं वो मैंने पैक करवा लिए थे. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पैक कराया था, जस्ट टू यू नो कि इतना ज़्यादा मेरा मतलब कैपेसिटी नहीं है बैग्स की. और उसमें क्या रहेगा कि आप बेसिक 15-20 दिन के लिए आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, और जब आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा तो आप वहाँ से खरीद सकते हो. ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, डबल ट्रिपल रेट पे मिलेगा आपको सारा सामान, लेकिन वो फिर आप ऑब्वियसली यहाँ पे आए हो तो पाउंड के हिसाब से आप बात कीजिए. और दूसरा, यहाँ पे आपको नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स है, टेस्को वगैरह हो गए, एस्टा वगैरह हो गए, वहाँ पे एक वर्ल्ड फूड नाम का सेक्शन होता है. वहाँ पे आपको, जब एशियन सेक्शन में आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको दालें भी मिल जाएंगी, मसाले भी मिल जाएंगे, जबकि भुजिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है. तो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, आपको सामान मिल जाएगा. तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लेके आनी है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बिल्कुल भी. ये है ओवर द काउंटर मेडिसिन, यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन है मेरे पास, छोटी छोटी मेडिसिन हैं, जैसे कि कोई बुखार की हो गई, कोई गले की हो गई, कोई आप लगा लो पेट दर्द की हो गई, टांग दर्द की हो गई, तो ये आप लेके आ सकते हो. एक छोटा इतना पाउच बना लीजिए ताकि एमरजेंसी के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एकदम से लैंड करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग सॉल्ट्स की अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, और उसमें समझ नहीं आती कई बार कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं. तो अगर आपकी इंडिया से अगर आप लेके आते हो छोटा पाउच, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा कुछ टाइम के लिए. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस पक्का से आप लेके आना. यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेके आते, और उसके चक्कर में क्या होता है, फिर बैठ जाओ, कोई भी हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई तो फिर इतना फटका लगेगा ना आपको, कि फिर तो बोलोगे कि गाइस मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ही ले ली होती तो आज मैं इतने बड़े नुकसान से बच सकता.
तो मेक श्योर कि जब भी आप आओ हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब तक आप यहाँ पे आके लोकल यूके गवर्नमेंट से अपने आप को रजिस्टर कराते हो हेल्थ को लेके, तब तक आपके पास एक बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है एमरजेंसी के लिए। तो ये दो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पक्का लेके रखना। अभी बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलाने का शौक होता है, और स्पेशली कि जब आप इंडिया से आते हो तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। तो गाइस आप अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का जो होता है वो लेके आ सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप एक साल तक यूके में गाड़ी चला सकते हो उस लाइसेंस के ऊपर। तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि भाई आप गाड़ी नहीं चला सकते, खुद से ड्राइव नहीं कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उस लाइसेंस के बेसिस पे आप अपना गाड़ी चलाइए एक साल तक। उसके बाद जैसे आपका एक साल पूरा हो जाए, आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, एंड देन आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस अब आता है एक ऐसा पॉइंट कि भाई आप आ रहे हो इंडिया से दूर, तो आप लोगों को लगता है कि यार वहां जाके पता नहीं वहां पे इंडियन चैनल्स मिलेंगे कि नहीं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो क्यों ना उस चीज को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ गाइस कि आप एक यंग टीवी का ना सब्सक्रिप्शन ले लो। ये सबसे बेस्ट चीज की थी मैंने जब मैं कहते हो ना कि यूके में आई थी। अगर आप कहते हो ना कि शौकीन हो मूवीज देखने के इंडियंस, या फिर सीरियल्स हो गए, या फिर सस्पेंस ड्रामा कुछ भी, आपको जो लगता है कि इंडियन सिनेमा जो हमारा इतना अच्छा है उसको सबको देखने का आपको मन है ना, तो दिस इज मस्ट। और दूसरी बात है कि आप 24 hours 7 days कभी भी जब टीवी को लगाइए और देखिए और मजे लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई 7 दिन पुराना कोई एपिसोड देखना है तो ऑब्वियसली लाइव कैचअप आप इस्तेमाल कीजिए और उसको लगा के देख सकते हैं। सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है ना, आप इसे कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस की चीजें देख सकते हो, चाहे आप तमिल का देखो, तेलुगु देखो, पंजाबी पंजाबी हम तो पंजाबी का देखो, हिंदी देखो, किस तरह का भी अगर आपको कोई प्रोग्राम देखना है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आप वो लगाओ और देख सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप बोलोगे टीवी नहीं है तो हम क्या करें, तो टेंशन नहीं, मोबाइल में देखो और आप अपने आईपैड पे देख लो, लैपटॉप पे देख लो, कोई भी इंटरनेट इनेबल डिवाइस हो ना उस पे लगा के देख लो। तो गाइस यंग टीवी जो है ना वो एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे अगर आप यूएसए जा रहे हो, यूके जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कहीं भी जा रहे हो ना, वहां पे आपको ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपको इसका एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है मंथली। तो अगर गाइस प्राइस की बात करूं तो ईयरली आपको आराम से ना ये पैकेज जो है 179 GB का मिल जाएगा, और अभी तो इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है तो उसमें भी आपको आई थिंक £30 का ऑफ मिल जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज RICHA, तो उसके ऊपर आपको अगेन £10 का डिस्काउंट मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली प्राइस पूछो ना तो मुझे लगता है कि अगर आप ईयरली पैकेज ले लोगे ना उसका, वो भी डिस्काउंटेड ऑफर पे, तो आपको महीने का 10 या 12 pounds बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही सही है। आप मूवी देखने बाहर जाते हो, वहां पर 10-15 pounds लग जाते हैं एक मूवी देखने का, जब घर बैठे आपको सारी फैसिलिटी मिल रही हो तो फिर बाहर का क्या सोचना। जब टीवी आपको ना गाइस जी नेटवर्क चैनल्स का एक्सेस देता है, सोनी लाइव का एक्सेस देता है, और जो भी क्रिकेट के शौकीन है ना उनके लिए तो बेस्ट है। उनमें क्या होता है कि जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अपकमिंग कोई हमारा ICC वर्ल्ड कप आ रहा है, या फिर कोई भी जो इंडियन हमारे चैनल्स हैं या फिर इंडियन टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वो सारे मैचेस आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस अभी हम मूव करते हैं कपड़ों की ओर। कपड़े जो है वो सबको मतलब कि लेके आने होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा कपड़ा लेके आए और कौन सा कपड़ा ना लेके आए। अपने बेसिक कपड़े तो आप लेके आइए, लेकिन जो जैकेट्स को लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई ठंड है वहां पे कि गर्मी है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ठंड का कुछ पता नहीं चलता, अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से धूप हो जाती है, तो आपको अपनी जैकेट्स के साथ हमेशा फॉरएवर 12 महीने रेडी रहना पड़ता है। अभी समर्स चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जैकेट्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो पता नहीं चला मौसम रात को ठंडा हो जाता है, क्योंकि पंखे तो आपको है नहीं, पता ही है लेकिन पंखा कहीं भी नहीं है। मैंने कितनी वीडियोस में बताया कि पंखे नहीं है तो आप मौसम का अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे हमें कैसे सर्वाइव करना पड़ता है। एंड वन थिंग, आपके पास एक मोटी जैकेट गाइस, इस तरह की एक मोटी जैकेट जिसमें हुडी लगी हो वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बारिश से बचाएगी इफ इनकेस आपके पास छाता नहीं है। और आप चाहे तो जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक पतला जैकेट भी रख सकते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल आपको हाँफने कहने करने में प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब हमारा सामान जो है ओवरवेट हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, सॉरी क्या करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हल्की जैकेट होती है वो हाथ में पकड़ लेते हैं और मोटी हम पहन लेते हैं, तो जब चेकिंग वगैरह हो रहा होता है तब ओवरवेट का इशू नहीं आता। और अभी बात करते हैं कि फॉर्मल कपड़े आपको लेके आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। देखिए अगर आप स्टूडेंट हो या फिर ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो एक सूट पक्का रखिए,
क्योंकि अचानक से आते हुए भी आपके पास अगर कपड़े नहीं हुए तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक सूट आप लग सकते हो जो फॉर्मल ड्रेसअप हो, जैसे कि आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, इनिशियल डेज के लिए आपके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड ऑफकोर्स आपको अपने पास कुछ इंडियन वेयर्स भी रखने चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोग हर कुछ सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, कुछ भी हो, इंडिपेंडेंस डे हो गया, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें अगर आपके पास इंडियन वेयर है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडियन वेयर्स पहन के आते हैं उस टाइम पे। तो वन कपड़ा जोड़ी तो जरूर रखिए, चाहे आप पजामा कुर्ता पहनते हैं, सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, इट इज मस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंडियन वेयर्स की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगी है और वैरायटी बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी तो वो इतनी ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि अप टू डेट नहीं होगी और महंगा भी मिलेगा। तो इट्स बेस्ट कि आप अपने इंडियन वेयर्स स्टिच करवा के, आप यहाँ पे अगर अज्यूम करते हो कि स्टिचिंग करवा लेंगे तो वो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इट्स बेस्ट कि अपना एक आधा जोड़ी कपड़ा जो है इंडियन वेयर का रखे, ताकि जब कोई इंडियन मूवमेंट्स हो तो आप लोगों को वो फीलिंग ना आए कि भाई हमारे पास इंडियन कपड़े नहीं है। गाइस अब आते हैं कि शूज, अभी सबको शूज का शौक होता है, स्पेशली गर्ल्स को, कि भाई हर तरह के कपड़े, हर तरह के शूज रख लो। लेकिन गाइस मैं उसमें आपको बता देती हूँ कि जब लिमिटेड सामान रखने की जगह हो ना, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ एक जोड़ी आप अपने शूज जरूर रखिए, बिकॉज शूज यहाँ पे बहुत मस्ट है। हर जगह पे बहुत चलना पड़ेगा, एयरपोर्ट से लेके मार्केट तक आप जा रहे हो, या फिर कहीं भी ग्रोसरी लेने जा रहे हो, चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, बस स्टेशन जाना है या फिर मेट्रो स्टेशन जाना है, उस हिसाब से आपको एक परफेक्ट स्पोर्ट्स शूज चाहिए जो आपके डेली वेयर में आपको काम आए। और दूसरा, जैसे कि अगर आप हील्स के शौकीन हो तो एक हील आप रखिए, क्योंकि ये जगह गिरेंगे और कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग में। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है किचन के ऊपर, कि किचन में हम ऐसी क्या चीजें लेके आ सकते हैं और क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, छननी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पक्का लेके आओ, लड़का हो लड़की हो, क्योंकि यहाँ पे ये आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। जब हम यहाँ पे आए थे तो अपना एक्सपीरियंस बताने लगी हूँ, मुझे एक हफ्ता दो हफ्ता बहुत मुश्किल हुई थी, मुझे वो टी बैग के साथ चाय को अफोर्ड करना पड़ा, क्योंकि छन्नी मेरे पास थी नहीं और मुझे पता नहीं था कि ये आसानी से यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये आप पक्का रख लीजिए, बहुत कम कहते ना कि जगह घिरेगी। एंड अगर आप साउथ इंडियन हो या इडली खाने के शौकीन हो, लाइक यू नो वीकली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे, तो एक इडली मेकर जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ आपको छोटे पॉइंट बता रही हूँ, और बेसिक आप एक प्लेट, एक अपना चम्मच, एक अपनी कटोरी फॉर द स्टार्टिंग टाइम के लिए रख लीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे सेटल हो जाओ तो थोड़ा बहुत सामान बाहर से खरीद सकते हो, यहाँ पे सब मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल डेज के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अब जो है मेन पॉइंट आता है कि बहुत सारे घर यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडक्शन वाले होते हैं, तो मेक श्योर आप जो भी बर्तन लेके आओ वो इंडक्शन प्रूफ होने चाहिए, स्पेशली आपका जो है प्रेशर कुकर। एक प्रेशर कुकर आपको चाहिए, एक कढ़ाई, और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपने एक फ्राई पैन लिया है चाय बनाने के लिए, तीनों चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इंडियन कुकिंग में इस्तेमाल होती हैं, वो आप प्लीज मेक श्योर कीजिए, इंडक्शन सेफ होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज मेक श्योर आप एक छोटी वाली, ये जो है ना नमकदानी जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसमें हम अपने चार सात आठ तरह के मसाले डाल सकते हैं, वो पक्का रखिए। और कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की लीजिए, क्योंकि ये वेट बहुत कम रखती है। अगर आप स्टील की लेके आओगे तो उसमें बहुत दिक्कत होगी, वेट बहुत ज्यादा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको ना छोटी छोटी डिब्बियों से बचाएगा, वो आपकी जगह जो है कम घेरेगा। तो अगर आप एक ही ले लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आपका फायदा हो जाता है। तो गाइस और एक दूसरी बात, यहाँ पे ना बहुत सारे घरों में अगर आप कुछ कुकिंग करते हो या शेयर करते हो ना, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बर्तन जो है वो माइक्रोवेव सेफ होने चाहिए। इंडक्शन सेफ तो होने ही चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव सेफ, जैसे कि आपकी प्लेट हो गई, कटोरी हो गई, या फिर चाय का कप हो गया, मेक श्योर कि वो माइक्रोवेव सेफ हो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो गाइस अगर आप यूके आ रहे हो तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी घर में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, प्लीज आप ये कन्वर्टर जरूर रखिए। यूनिवर्सल कन्वर्टर है, या फिर एक छोटा कन्वर्टर रख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा सामान नहीं है। तो मैंने तो ये लिया था, ऑप्शन आपको दे रही हूं मैं। अगर आपको इंडिया से अगर इनकेस नहीं मिल रहा तो आपको ऑनलाइन तो बहुत जगह पे मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं स्पेक्स की। मैंने देखे स्पेक्स लगा लिए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ये सौरभ के पकड़े हैं, क्योंकि ये सौरभ के स्पेक्स हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफ इन केस आप आ रहे हो बाहर फॉरेन कंट्री में, इधर इट्स इन यूएसए, यूके, यूरोप, कहीं भी चले जाओ, स्पेक्स आप अपने पास एक्स्ट्रा 4 to 5 पेयर्स पक्का रखिए।
क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर कभी से भी ये टूट गया गलती से या कोई इसको प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे स्पेक्स बनवाना इट्स वेरी कॉस्टली, 150 से 200 pounds का एक स्पेक्स बनेगा। और फिर कोई भी अगर इनिशियल डेज पे आ रहा है तो उसको लगेगा कि भाई इतना महंगा, मैं सेव कर सकता था ये पैसे। तो दिस इज लाइक सेकंड आइज टू देम। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्लीज इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आप लोग बहुत पछताओगे कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही पेयर था, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि इतना महंगा स्पेक्स लेना। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और आप लोगों को बाय बोलती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो। और जो लोग भी आ रहे हैं ना यहाँ पे यूके में या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।